वंस अगेन वेलकम बैक टू नोले एंटरप्राइजेस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं एक बेस्ट ऑफर देने वाला हूँ, वो रहेगा स्क्रोलिंग बोर्ड के ऊपर। तो आप बहुत सारे स्क्रोलिंग बोर्ड परचेज किया होगा और कॉस्टिंग भी कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में आपको ऑफर देने वाला हूँ, बेस्ट ऑफर का एक निकल के लिए लाए हैं हम आपके लिए। तो इसमें क्या करने वाले, स्क्रोलिंग बोर्ड का टेक्निक भी बताऊंगा आपको, सबका तो एकदम सिंपल है। बहुत सारे वीडियोस में आप मेरा भी देखा होगा, दूसरों का भी देखा होगा, स्क्रोलिंग बोर्ड आना बोर्ड बनाना बहुत बड़े एकदम सिंपल सा चीज़ है, उतना बहुत डिफिकल्ट नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं स्क्रोलिंग बोर्ड बताना, ओनली एकदम सिंपल है, आपको कैसा करना है आपको देख के पता चलेगा, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे हम। तो चलो आपको ये जो बोर्ड दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं P10। P10 के बारे में आपको मैं बताया ऑलरेडी, P10 क्यों बोलते क्या बोलते वो देखा नहीं, वो तो आप अदर वीडियो से मैंने स्क्रोलिंग बोर्ड उसके ऊपर देखिए। तो वो डिस्टेंस जो रहेगा वो 10 mm रहते, इसलिए P10 बोलते हैं। P10 का SMD मॉडल है, ठीक है, आप देख सकते हो इसका क्वालिटी वगैरह, ये पूरा रेनप्रूफ है, वाटरप्रूफ नहीं बोल सकते, रेनप्रूफ बोलने का उसको, ये रेनप्रूफ है, अंदर के साइड से आप पूरा देख सकते हो इसका, और ये रेड कलर में मिलेगा मेरे पास। अदर कलर्स के लिए ये जो ऑफर रहेगा ओनली रेड कलर के लिए है फ्रेंड्स। तो आप बोलेंगे सर मुझे ग्रीन दो मिक्स करके, तो ऐसा नहीं होगा, ऑफर बोल तो इसमें जो मैं बोलेगा वीडियो में उतना ही माल देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो एक ऑप्शन SMP के ऊपर दूंगा। तो ये जो P10 का बोर्ड है आपको मैं इसमें 10 P10 का बोर्ड देने वाला हूँ, ऐसा 10 बोल तो इसका जो डिस्टेंस है 160 mm by 320 mm, 160 by 320 mm का। तो ये 12 इंच थोड़ा प्लस रहता है, यहाँ पे 6 इंच थोड़ा प्लस रहता है, तो 6 इंच बाय 12 इंच का एक बोर्ड होगा। ऐसा मैं आपको 10 बोर्ड दे रहा हूँ, ये वाला 10 बोर्ड आप ले सकते हो मेरे से, ठीक है। ये 10 बोर्ड, ये 10 बोर्ड या 20, ऐसे 10 का 20 भी चला सकते हो, 20 बोर्ड चलाने के लिए भी ये मेरा W00 ये वाईफाई कार्ड है, या आपको LED8 बोल के एक ऐप है वो डाउनलोड करो, उससे आप ये बोर्ड लगा के कनेक्ट करो वाईफाई के थ्रू, इंटरनेट बंद करके, तो आपका वाईफाई के थ्रू आप इसके अंदर जो भी टेक्स्ट डालना है, जो भी कुछ मैटर्स डालना है आप डाल सकते हो। इसके ऊपर आपका टोटल 20 पैनल चलने वाला है, तो 1x10 फीट का भी बना सकते हो, नहीं तो एक सीरीज में एक के आगे, सॉरी 1x10 का बना सकते हो, नहीं तो सीरीज में 10 का एक भी बना सकते हो, एक पोर्ट यूज करना है तो 2 पोर्ट यूज करो, इसको टोटल 10 पैनल कनेक्ट कर सकते हो एक पोर्ट के ऊपर, ऐसे 2 पोर्ट है 1 2, तो 20 पोर्ट भी चल जाएगा, 1x10 फीट का भी आप बोर्ड बना सकते हो। ये आपको साथ में इसके साथ ये 10 बोर्ड और W00 का मदर बोर्ड और साथ में आपको 60 एम्पेयर का, ठीक है, अभी 60 एम्पेयर का इसके साथ मैं बोर्ड देने वाला हूँ SMPS, चाहे तो आप स्लिम वाला चाहिए तो स्लिम वाला लो, या तो रेन प्रूफ वाला चाहिए ये वाला, ठीक है, चलो ये वाला रेन प्रूफ वाला चाहिए आपको, रेन प्रूफ इसके लिए आपको ऑप्शन है, आप ले सकते हो, बड़ा है लेकिन बोर्ड के अंदर यही जाली वाले यूज़ करते हैं, नहीं ना मुझे रेन प्रूफ में आउटडोर में लगा रहा हूँ, तो 60 नहीं आप 80 ले लो, चलो और एक बेस्ट ऑप्शन 60 नहीं 80 एम्पेयर का ये दे पाऊंगा, अगर आपको ये चाहिए तो 60 एम्पेयर के इसके साथ मिलेगा कॉम्बो में, ये लो चाहे तो ऑप्शन प्लस ये दे सकते हो चाहिए, ठीक है। ये सब मिलेगा मटेरियल साथ साथ में, और क्या मिलेगा आपको, ये तो मटेरियल मिल गया आपको, अब इसके लिए आप क्या करोगे, कनेक्टर के लिए कहाँ पे जाओगे, केबल के लिए कहाँ पे जाओगे, वो भी इसके साथ ही मिलेगा। आप जितना पैनल ले रहे हो उतना आपको 16 पिन के एयरपर्स केबल उसके साथ मिलेगा, आप 10 पैनल ले रहे हो तो 10 कॉम्बो है, 10 का 10 ही मिलेगा उसके साथ साथ, ये साइड पर रखता हूँ उसका काम हो गया अभी, इसके साथ साथ आपको कनेक्टर एयरपर्स केबल दे रहा हूँ, ये जो कनेक्टर्स है वाला कनेक्टर्स के मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव के लिए पिक्सल के लिए लगाने के लिए, साथ में आपको जितना पैनल्स ले रहे हैं उसका जितना जरूरत है उतना आपको कनेक्टर के साथ में देने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिल रहा है मेरे पास, 10 पैनल, 10 एम्पर्स केबल, W00 का मदरबोर्ड एक, और एक 60 एम्पेयर का SMPS, अगर आप एडिशनल लेंगे तो उसका चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, साथ में लगने वाला और वायर आर्म्स केबल्स जो भी लग रहा है ये सब आपको इस साथ में मिलने वाला है। ये सब आप इतना 1x10 का बोर्ड, 1x10 पैनल का बोर्ड आप मात्र 4000 रुपये, 4000 रुपीज़, 3999, चलो आपको ऑफर रखता हूँ 3999 में आपको ये पूरा आप मेरे से परचेज कर सकते हो। हाँ और एक बार, कुरियर चार्जेस आपका डिलीवरी के एड्रेस के ऊपर रहेगा,
ठीक है, आपका एड्रेस कहाँ पे है? आप महाराष्ट्र में रहेगा वो तो उसका चार्जेस कम लगेगा, आप अदर स्टेट में रहेंगे वहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं तो कुरियर चार्ज अलग रहेगा, कैश ऑन डिलीवरी फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, आप कुछ जेन्यून पर्सन, इसके लिए आप मेरे को वीडियो कॉल करके देख सकते हो, ये ऑफर सिर्फ आप कैश ऑन कैरी से कर सकते हो, मेरे शॉप में आके ले जा सकते हो। ये तो आपको कोई, आपको डर लग रहा है ऑर्डर देने के लिए, आपको कोई रिश्तेदार परिचय पहचान वाला कोई बंदा रहेगा पुणे में, बोले कैश ऑन कैरी कर सकते हो। ये वाला मटेरियल आपको सिर्फ 4000 में ये सब आप मटेरियल लेके जा सकते हो, फिर 4000 रुपीज में आपको, आप दूसरों से भी अगर रेट लेके कंपेयर करो, 10 पैनल W00 मदरबोर्ड, 10 FRC केबल, 1 SMPS उसको लगने वाले 10 कनेक्टर। ठीक है, इतना आपको आपको पूरा 4000 रुपए में आपको मिलने वाला है। अगर आपको स्क्रोलिंग बिजनेस कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आपको शॉप के लिए हो मतलब डेकोरेटिव हो, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हो तो आपके लिए आपको खुद को बना के लेना है तो आप ऐसे परचेज करके आप खुद घर पे बना सकते हो। उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए डेफिनेटली आप मुझे एंटरप्राइज कॉन्टेक्ट करके वीडियो कॉल करो या नहीं तो कॉल करके आप मेरे से परचेज कर सकते। चलिए, बहुत लेंदी वीडियो हो चुका है, अगर आपको इसको कैसा बनाना है सिंपल सा, ऐप के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ऐप के लिए मेरा ऑलरेडी वीडियोज है, मैं तो आई बटन में आपको मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आई बटन में आप क्लिक करके आप पूरा वीडियोज देख सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज डालिए, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज डालिए, वीडियो बना दीजिए। अगर कुछ बहुत दिक्कत आ रहा है तो तब वीडियो कॉल कर दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको जेन्युइनिटी के लिए वीडियो कॉल करना तो ऑलवेज वेलकम, कभी भी आप कॉल कर सकते हो 10 से 8 बजे के बीच। चलिए, मैं आपको बोर्ड कैसा बनाते हैं उसको दिखाता हूँ, नजदीक से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देख पा रहे मैं जो आपको W00 कार्ड देने वाला हूँ ये वाला, ठीक है, ऐसा वाला रहेगा, आपको एक कार्ड यहाँ पे आप लगा सकते हो ऐसा। ठीक है, फिलहाल मैं टेस्टिंग के लिए दूसरा कार्ड लगा के रखा हूँ, उसके ऊपर भी दो ही चलने वाला है। देखिए यहाँ पे एक नंबर पोर्ट के ऊपर एक नंबर का डेटा लगाना है, यहाँ पे आपको दो नंबर पोर्ट के दो नंबर लाइन पे, ऊपर वाला मेरा जो रहेगा फर्स्ट वाला वो फर्स्ट नंबर लाइन रहेगा, नीचे वाला सेकेंड रहता है। इसके लिए आपको 5 वोल्ट का पावर सप्लाई का जरूरत है, 5 वोल्ट आप कितना भी एम्पेयर यूज़ कर सकते हो, 10, 20, 25, 10, 20, 30 जो भी आपको, जो उस डिपेंड रहेगा आपका कितना पैनल यूज़ करें। फॉर फिलहाल अभी मैं यहाँ पे अब डेमो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, 4 पैनल के ऊपर दिखा रहा हूँ, वायरिंग देख लीजिए आप एक बार, यहाँ से आपको एक नंबर पे देना है, दो नंबर पे आपको एपर्स केबल से डेटा लेना है, आपको बोर्ड के देना है, और 5 वोल्ट आप बोर्ड के लिए भी पावर दे चाहिए तो बोर्ड के लिए भी हम पावर दे रहे हैं 5 वोल्ट, साथ में ये जो मेरा पैनल्स है पैनल्स के लिए 5 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मेरा SMPS है, यहाँ पे मैंने AC पावर दे चुका हूँ, यहाँ पे लिखा है, उसके बाद माइनस 5 वोल्ट माइनस पॉजिटिव 5 वोल्ट, ऐसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लेके यहाँ पे एक लगा दिया और एक पॉजिटिव मेरा जितने भी पैनल्स है सबके लिए पैनल्स के लिए एक एक पॉजिटिव जा रही है ये वाला लाइन से, और नेगेटिव ये वाला लाइन से पैनल को जा रहा है सब पैनल को। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा मैं रखता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा वाला 5 वोल्ट पॉजिटिव 5 वोल्ट नेगेटिव सबको देना है आपको, उसके बाद आपका काम यहाँ पे आप से जंप देना है, जैसे आप आगे कनेक्ट करते जाएंगे आप कनेक्ट जंप देते जाइए, और यहाँ पे डायरेक्शन देख के आपको यहाँ पे देखिए डायरेक्शन देख के आपको पैनल्स लगाने हैं। ये डायरेक्शन एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसका भी एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और राइट एरो जो है ना वो राइट की तरफ होना चाहिए, ऐसा कनेक्ट करते जाना है आपको, जैसे जितना लगाए उतना पैनल्स कनेक्ट करो, इतना ही इसके ऊपर हो, बहुत हो इतना ही हो आपके ऊपर, और कुछ नहीं करें। यहाँ पे आपका वायरिंग कनेक्शन डायग्राम खत्म, अब जो आगे का प्रोसेस हो वो ऐप के थ्रू आपको चला के देखना है, मैं आगे की तरफ से दिखाता हूँ आपको कैसा दिख रहा है। फ्रेंड जैसे आप देख पा रहे वायरिंग के बाद आपको जब कनेक्ट करेंगे तो आपको चाइनीज लाइन में ऐसे कुछ तो आते जाएगा। ठीक है, सेकेंड लाइन पर थर्ड लाइन पर टाइम दिख रहा है, ऐसे कुछ भी आने दो आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको सीधा ऐप ओपन करना है LED ऐड का। ठीक है, ऐसे ऐप रहेगा वो, मैं दिखाता हूँ बाहर से भी आपको, सीधा यहाँ पे LED ऐड डाउनलोड करके लेना गूगल स्टोर से, ऐसे ऐप दिखेगा, ये देखिए LED ऐड का। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस सिंबल रहेंगे, यहाँ पे जाके आपको जो कंट्रोल है उसको ऐड करना होता है। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको नाम दे सकते हो, जो भी आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो, मैं फिलहाल यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ, W00 बोल के नाम दे रहा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद आपको विड्थ में हाइट और मैट्रिक्स हाइट कितना है वो देना है आपको, विड्थ एंड हाइट में, मेरे विड्थ में 64 है, हाइट में 32 है, 32 सिंगल कलर ड्यूअल कलर जो भी कलर से वो कलर सेलेक्शन करके आपको ओके करना है। इतना करने के बाद आप ऐसे प्लीज एंटर बोल के यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपका
आपको जो मैटर है यहाँ पे टाइप करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम टू नूले एंटरप्राइजेस। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ऐसे बोल के लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, तो उसके बाद आपको डन करना है। यहाँ से टेक्स्ट हाइट विड्थ जो भी देना है आपको, आप टेक्स्ट आपके हिसाब से देख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं 30 रख रहा हूँ। ठीक है, सेंटर के यहाँ पे देख लीजिए, इसके लिए मेरा पूरा डिटेल वीडियो है यहाँ पे, जाके देखने के बाद आपको पता चलेगा। स्टैटिक से मूल एप टू राइट करूँगा मैं यहाँ पे आपको इतना लिख के आपको प्रोग्राम सेंड करना है। जैसे सेंड करने के लिए जाएंगे तो चेंज पासवर्ड पूछेंगे वो लोग, अगर आप चाहे तो चेंज पासवर्ड कर सकते हो, क्योंकि पहले नहीं आता था, अभी जो लेटेस्ट कंट्रोल उसमें चेंज करना पड़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो परचेज करे उनके लिए डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा nule@123। जो भी मेरा कंट्रोल है, मैं दूसरों के लिए कंट्रोल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे पास जो कर रहे हैं उनके लिए ये पासवर्ड रहेगा। ठीक है, इतना डालने के बाद आपको क्या करना है, चेंज कंफर्म करना है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक हो चुका है क्योंकि मेरा पासवर्ड चेंज हो गया, यहाँ पे बंद हो गया आपका स्क्रीन। तो आपको दोबारा क्या करना है, तो कंट्रोलर को तो पता नहीं, वैसे चलना चालू हो चुका है, तो आप चेंज करने के लिए जाओगे तो नहीं हो पाएगा, फाइंड डिवाइस में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोबारा आपको नया पासवर्ड डालना है इसके ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ से नहीं ले रहे तो फॉरगेट पासवर्ड करो, फॉरगेट नेटवर्क करो। ठीक है, दोबारा यहाँ पे करो, अभी यहाँ पे पासवर्ड लेगा आपका नया पासवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं सर पासवर्ड ही नहीं ले रहा है नया पासवर्ड, ये आप ऐसा करना पड़ेगा, फॉरवर्ड पासवर्ड करके कर दीजिए तो आपका पासवर्ड डेफिनेटली ले लेगा वो। ठीक है, देखिए पासवर्ड मैंने देख लिया, कनेक्ट कर दें। उसके बाद आपको जहाँ पे ये देखिए कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक कनेक्टेड। उसके बाद आपको सीधा वहाँ पे यहाँ पे जाके रिट्राई करना है। देखिए जो मैंने टेक्स्ट डाला है, ठीक है कीप करना है आपको। देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है अभी तक गया नहीं, ठीक है तो यहाँ पे जाएगा, रिट्राई कर दीजिए इसको एक बार। ठीक है, देखिए जो मैं लिखा था वेलकम टू नूले एंटरप्राइज आधा चल रहा है आधा नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा है आपको देखना है वो। अभी कुछ टाइम की एक गलती है, कोई बताया नहीं गया, पूरे लोग क्या करते वीडियो बना के उसके बाद बताते कि देखिए हमने तो टेक्स्ट डाल दिया लेकिन ऊपर में नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे ऊपर के जो पीछे में जो हमने जो कनेक्टर लगाया ना ऊपर नीचे सही से नहीं लगा होगा सीक्वेंस वाइज, इसलिए ऐसा कट होके आएगा। चलो अभी मैं उसको ठीक करके आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। जैसे अभी आप देख पा रहे मैंने जो ठीक कर दिया कि आपको सीक्वेंस सही लगाना है, एक नंबर के ऊपर एक, दो नंबर के दो नंबर का लाइन लगाना है। अगर आप गलती से भी आप गलत लगाओगे तो आपको आधा चलेगा आधा नहीं चलेगा, ऐसा आ जाएगा। अभी यहाँ पर देख पा रहे जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर चुका हूँ, ठीक है सही तरीके से एक नंबर दो नंबर पे, तो आपका यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, आप चाहिए तो यहाँ से भी देख सकते हो। नंबर वन ऊपर का जो पोर्ट रहेगा ना लाइन, वो एक नंबर पे डालना है और दो नंबर पे डालना है, पॉजिटिव चेक करके लगाना है आपको, एरो सिंबल जो है वो पॉजिटिव लाइन का है। तो उसने डालने के बाद देखिए यहाँ पर पूरा क्लियरली आपको टेक्स्ट दिख रहा है वेलकम टू नूले एंटरप्राइज, जो हमने लिखा था वो यहाँ पर चलना चालू हो चुका है एकदम परफेक्टली। अगर आप इसको बॉर्डर डालना है एनिमेशन इफेक्ट्स के लिए, अब मेरा और भी वीडियोज़ है डिटेल वीडियोज़ वो देख लीजिए, उसके ऊपर आपको पूरा पता चलने वाला है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है, फिर अगला वीडियो मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।